ये रिश्ते का किरदार है मियां फाइनली जब अमीर का सच सबके सामने आ गया है एक अलग रूप लेकर, और ना केवल अमीर का सच बल्कि अभिनव और अक्षरा के रिश्ते का भी सच सामने आने वाला है, तब ये सच जानने के बाद भी कहीं ना कहीं मंजरी माँ के मन में ममता की बजाय सिर्फ और सिर्फ अभीर को पाने की जो लालसा है वो उतनी नजर आने वाली है फैंस। और कहीं ना कहीं जो अभिमन्यु और अक्षरा कुछ साल पहले अपने रिश्ते को किस तरह से वो एंजॉय करने वाले हैं, कितने दिन नए पड़ाव आएंगे उनकी जिंदगी में, उसको कैसे डील करेंगे ये सोच रहे होते हैं, अब वही अक्षरा और अभिमन्यु एक दूसरे के ऑपोजिट खड़े होकर अभीर किसकी तरफ होना चाहिए या अभीर को किसकी तरफ जाना चाहिए इस बात की लड़ाई लड़ने वाले हैं। जी हाँ, यानी कि अभिमन्यु और अक्षरा एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर अभीर के लिए कस्टडी केस लड़ते नजर आने वाले हैं, जिसमें अक्षरा जो है वो खुद एक लॉयर बनकर सामने आएंगी। जहां पर हम सोच ही रहे थे कि अक्षरा की आखिरकारी लॉ की पढ़ाई कहाँ पर यूज होने वाली है, तो ये होगा वो मौका जिसका हिंट मैंने ऑलरेडी आपके साथ पहले शेयर किया था। तो अब देखने वाली बात ये होगी फैंस की, क्योंकि ये जो ट्विस्ट आएगा कस्टडी वाला, ये एक्चुअली में कहानी को एक अलग लेवल पर लेकर जाएगा, लेकिन इसमें भी काफी सारी प्रॉब्लम्स होगी। ऐसा नहीं है कि ये एकदम आसानी से हो जाएगा और एक आसानी से डिसीजन, क्योंकि ये डिसीजन बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है अक्षरा के लिए भी, अभिमन्यु के खिलाफ सब कुछ बोल देना और अभिमन्यु का भी अक्षरा के खिलाफ सब कुछ बोल देना। किस तरह से आखिरकार ये डिसीजन किसकी तरफ होता है और अभीर इस पे किसको चूज करते हैं जाने के लिए स्टार्ट उसकी छवि रिश्ते क्या खिलाता है, देखते रहिए। स्क्रिप्ट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।